नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे ना, वो करेंगे अपन मूर्तियों के बारे में। दोस्तों, अपने पास जो है ना, बहुत ही छोटी साइज से लेकर, मतलब बहुत छोटी साइज से लेकर के बहुत बड़ी साइज तक की मूर्तियां जो है अपने पास रेडी में मिल जाती है। अब थोड़ा सा पास है पंकज, अपन बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। अपन सारी मूर्तियों का स्टॉक देखेंगे, प्लस उसके बाद में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो है हमने बनाई है ऑन ऑर्डर से, और कुछ ऐसी है जो अपन ऑन ऑर्डर और आपको जो है ना बना कर देंगे। वहीं अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्लैक मार्बल की बात करी जाए तो यहाँ पर ब्लैक मार्बल में जैसे अपने पास ये है तिरुपति बालाजी की, जय बालाजी महाराज की जय हो। इस पे जो दोस्तों देख रहे हो, ये मार्बल है, प्योर ब्लैक मार्बल है। उनके ऊपर जो है गोल्ड का काम किया हुआ है ना, गोल्ड की जो फॉइल होती है उसी जो है पेंटिंग की गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये दोस्तों ऑन ऑर्डर तैयार की गई है, मतलब कि ऑर्डर से जो है वो बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर ये एकदम साफ है, थोड़ा सा धूल हो गया है ना। अब देखेंगे आपने, अब देखा कि ये ऑर्डर से बनाई गई है। अब जैसे इसमें क्या है कि पहले वाइट थी ये हमारे पास स्टॉक में थी, फिर ऑन कस्टमर डिमांड के हिसाब से उन्होंने जो है गोल्ड करवाया है। अब वहीं अपना और आगे चलते हैं, जैसे बहुत ही छोटी सी प्रतिमाएं भी अपने पास मिल जाती है, वो छोटी साइज की है, जैसे ये शिव जी की है ना, इस तरह छोटी भी मिल जाती है। वहीं अपन बात करते हैं तो अपने पास जो है बड़ी वाली प्रतिमाएं जो है, जैसे गणपति जी की है ये, अब पीछे हनुमान जी महाराज की है ना। अब देखेंगे राम दरबार है, ये मकराना मार्बल में बना हुआ है, वो वियतनाम मार्बल में श्री राधे कृष्ण की प्रतिमा है ना। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपने को चार पांच क्वालिटी के जो मार्बल है हमारे पास, उसमें मोस्टली जो जैसे जीरी है, वियतनाम है, मकराना है, जब वाइट वाले जो है वो मोस्टली इनमें बनी हुई है। ब्लैक में बात करें तो ब्लैक में बेचलाना में, और ऑन ऑर्डर तैयार होती है वो ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में बहुत ही कम तैयार करवाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। अब जैसे ये बेचलाना मार्बल में बनी हुई है, काली माता की प्रतिमाएँ हैं, अपने को यहाँ देखेंगे 15 इंची, 18 इंची, 27 है, 30 है, 36 इंची और 39 इंची, यानी 3.25 फीट तक की अभी अपने पास तैयार है। वहीं अपन देखेंगे कि वियतनाम मार्बल में, सॉरी जीरी मार्बल में राधे कृष्णा है, दुर्गा माता की आप देखेंगे कि यहाँ पर है ना एकदम वाइट है। ये आप ये देखेंगे, आप 18 इंची की साइज है, 1, 2, 18 इंची, ये 15, ये 18 है। वहाँ पर शीतला माता की है, हनुमान जी की है, ये दोस्तों राजस्थान अलवर का पत्थर है, जीरी मार्बल में जो है वो बनाई की गई है। कैमरामैन स्पेशलिस्ट है हमारे, पंकज नाम है इनका। यहाँ पर देखेंगे आप राम जी, ये देखो दोस्तों अपने पास क्या है कि जैसे ये राम जी की जो प्रतिमा है वो एकदम ब्लैक मार्बल में नहीं है, ये सिंथेटिक है, यानी प्रोसेस वाला जो है बनाया हुआ है, जिसमें रेजिन मिक्स करके या अपन मार्बल डस्ट कहते हैं है ना, उसमें बनाई गई है। बहुत सारी प्रतिमाएं हैं हमारे पास भी, देखो ऑन डिमांड आती है तो हम भी रखते हैं, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो मार्बल का है। दोस्तों आपको मार्बल में प्रतिमाएं बहुत ही खूबसूरत और ऑन डिमांड आपको जो है ना मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ राधा कृष्ण की प्रतिमा है, ये 3.25 फीट की साइज है, 39 इंची, जिसको अपन इंचेज में बोले तो 39 इंच की। और इसके अलावा छोटे छोटे आर्टिकल्स भी अपने पास मिल जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, शिपिंग कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कि ये गणपति जी की प्रतिमा आपको लेनी है, ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा, मैंने भेजी आपको फोटो और आपको पसंद आई है, तो आपको ये प्रतिमा चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इसको कैसे बाय करेंगे, तो बाय करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पंकज आप इधर आ जाओ, थोड़ा तो चेहरा काला नहीं आए है ना। तो फोन करेंगे आप कि भैया मेरे को 15 इंच के गणपति जी चाहिए, तो मैं आपको ये है, या फिर आपको जो मेरे पास 8-10 फोटो हैं, मतलब जो रेडी में स्टॉक है, मैं आपको उनका वीडियो शेयर कर दूंगा, फोटो बना के भेज दूंगा, फिर आपको लगता है कि हाँ यार रेडी में है, पवन भाई से वो ले लेनी चाहिए, तो आप उनमें से जो बोलेंगे मैं आपको जो है कुरियर के माध्यम से जो आपके घर पे भेज देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इनमें से नहीं, मेरे को खड़े हुए चाहिए, मेरे को कुल्हाड़ी ऐसे हाथ में चाहिए, ऐसे चाहिए, जो आप स्वरूप बताते हैं, तो फिर जो आपसे टाइम मांगा जाता है कि सर आप, मैं आपको 15 दिन में दूंगा, 20 दिन, 1 महीना लगेगा है ना, तो आप देंगे समय, तो मैं आपको जो है बनाकर जो है दे दूंगा। एक्यूरेसी बहुत ही सिंपल रहने वाली है, बहुत ही प्योर रहने वाली है। जैसे अपन हम मूर्तिकार है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, हम चेहरे मैच करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे ना, तो वो चेहरे से बनाई गई है, फोटो के हिसाब से जो है वो चेहरा मैच करवा दिया गया है। तो आप जो तस्वीर देते हैं भगवान की है ना, गणेश जी है या फिर राधे कृष्ण राम दरबार, जो आप स्वरूप देना चाहिए, तो उस स्वरूप में भी जो हम जो है आपको बनाकर जो है दे देते हैं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं, जय श्री राम।